आगे नंबर। ठीक है, तो इनका जो है ये इनको ये जो शुरुआत है ये थोड़ा कैमरे में दिखाओ एक बार, पास दिख रहा है कैमरे में? ठीक है, तो इनकी जो शुरुआत है इस जगह जो पेन है ठीक है यहाँ से शुरुआत हुई थी, जो कि एक लेटरल एपिकोंड्रिलाइटिस या फिर जो है टेनिस एल्बो की एक जो साइन था वो उससे इनका चालू हुआ था। उसके बाद इन्होंने जो है 2 बार अभी ऑपरेशन करवा लिया है, और ऑपरेशन करवाने के बाद में अब जाके जो है इनको एक थोड़ा सा पेन में भी एक तो जो है इनको रिलीफ है, और इनमें जो है नर्व का भी जो है उसको सही किया गया है, टेंडन को भी ठीक किया गया है, और जो है टेंडन जो ट्रांसफ़र है वो भी इसमें देखने को मिल रहा है, दिख रहा है वीडियो में? ठीक है, तो इनका जो थंब है जो है इनका जो थंब है वो पहले मूवमेंट नहीं करता था, और थंब का मूवमेंट दिखा दो एक बार, इसमें थंब में मूवमेंट है ठीक है, और फिंगर बंद करो, फिंगर में पहले मूवमेंट था, पहले से ज़्यादा आ रहा है ना मूवमेंट अब? ठीक है, तो अभी जो इनको एक्सरसाइज जो करनी है इस ऑपरेशन के बाद में, वो ऑपरेशन के बाद में ये करना है कि जो इनका एक सबसे पहले इनका जो सुपिनेशन जो है वो इनको इम्प्रूव करना है, जिससे कि ये अपनी अपने फेस को अपने पाम के अंदर देख सके। ठीक है, एक तो ये एक एक्सरसाइज है। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज इनको जो है कोहनी को सीधा करना है, चीज आगे की तरफ उठा के, हाँ सीधा करो, उठाओ ऊपर उठाओ, हाँ सीधा करो। ठीक है, और हाथों को ऊंचा भी रखना है आपको, ऊंचा रखो हाथ को बिल्कुल, हाँ ठीक है। ऐसे अगर ये एलिवेशन ऐसा रखते हैं हाथ का ठीक है, तो उसके फ़ायदे ये हो सकते हैं कि एक तो जो है एडिमा या फ्लूड जो है वो एक्मेशन नहीं होगा, और जो फिंगर्स में और जो मोमेंट्स जो हैं वो भी अच्छे से देखने को मिलेंगे, साथ में कोई जो एल्बो भी जो है वो भी स्ट्रेट रहने की ट्राई होती रहेगी। तो एलिवेशन से इनके बहुत सारे फ़ायदे इनके सोल्व आउट हो सकते हैं। ठीक है, नीचे लाओ हाथ को। ठीक है, दूसरा जो है इनको एक एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज ठीक है, तीसरी एक्सरसाइज के लिए इनको इस थंब और फिंगर के साथ में फिंगर्स को टच करना है, टच करो फिंगर्स को, अभी ये केवल इंडेक्स फिंगर और जो मिडल फिंगर है उसको टच कर पा रही है, अभी रिंग फिंगर के लिए इनको ट्राई करना है। ठीक है, रिंग फिंगर के लिए ट्राई करवाना है, इनसे इनको जो है कप गिलास चम्मच कोई भी खाली बॉक्स, चाहे वो खाली बॉक्स बड़ा हो छोटा हो ठीक है, इस तरीके से अभी इनको केवल लाइट वेट के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पकड़ना है छोड़ना है, पकड़ना है छोड़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से जब पेशेंट जो है काफ़ी बार काफ़ी लंबे समय बाद में आता है, तो इस तरीके से लंबे ऑपरेशन करने पड़ते हैं, और ये टेनिस एल्बो से इनकी जो है शुरुआत हुई थी, बाद में जाके बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इनकी जो USG और उसमें अपने MRI में देखा गया तो एक नस के अंदर जो है एक अच्छी खासी स्वेलिंग वो थी जो कि अनप्रेडिक्टेबल थी, वो जो इसलिए वजह से इनको जो है इतनी दिक्कत इनको देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो पर इनका भी ऑपरेशन हो चुका है, और इनको जो एक्सरसाइज का जो पार्ट है वो हमने इनको बता दिया, अब इन फ्यूचर में जो है इनकी जो कि रिकवरी है वो भी आपको दिखा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।